हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की जो वीडियो है वो अगेन एक वैकेंसी पे है। यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो DXC टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर मैं बाकी डिटेल्स बता दूँ तो यहाँ पे जो आपका जॉब रोल होने वाला है वो एसोसिएट प्रोफेशनल SC का प्रोफाइल आपका होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री बोला गया है, प्लस यहाँ पर और ब्रांच जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको पासिंग ईयर भी दी गई है कि अगर आप 2018, 19, 20 और 21 के पास आउट हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। यानी कि आप 4 साल के 18, 19, 20, 21 साल में आपने पास आउट किया हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और चाहे किसी भी ब्रांच के हों आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर दी गई हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे जब क्लिक करना है तो आपको इस टाइप की इंटरफेस आएगी। आप ऑटो फिल रिज्यूम यूज़ करना चाहते हो या मैनुअली फिल करना चाहते हो या फिर जो जो भी आपको लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑटो फिल विथ रिज्यूम कर रही हूँ कि मैं रिज्यूम अपलोड करूँ तो रिज्यूम से ही आपकी बाकी सारी डिटेल्स फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका पहले से यहाँ पे अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे पहले से अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, क्रिएट अकाउंट करने की, और यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट कर ले रहे हैं devakar.ac.in@gmail.com। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड दे दोगे, ठीक है। जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट, आपको जो भी पासवर्ड अभी आपने ऊपर दिया है उन्हीं को आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। उसके बाद से आपको यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पर जो अकाउंट है वर्क डे पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी अभी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी सी नेट स्लो है तो सारी चीज़ धीरे धीरे हो रही है, ओके। तो ये आपको यहाँ पर नेवर करना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड कर देते हैं। तो ये रहा रिज्यूम अपलोड करते ही अभी आप देख रहे हो अपलोड दिखा गया कि अपलोड हो गया आपका सक्सेसफुली। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो इसका नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स फिल करनी है कि आपने इसके बारे में कहाँ से चूज़ किया है, यानी कि कहाँ से सुना है आप। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो चाहो वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जॉब बोर्ड चूज़ कर रही हूँ। अब ये जब चूज़ करोगे तो इसके बाद से उसके अंदर भी आपके ऑप्शन आएंगे कि जॉब बोर्ड में आपने कहाँ से सुना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर जो ऑप्शन चाहो उसे टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप क्या पहले भी यहाँ पर वर्क किए हुए हो, प्रीवियसली वर्क हो, यहाँ पर नो, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रेशर हैं तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। उसके आपको यहाँ कंट्री ऑलरेडी चूज़ है, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है दिवाकर और यहाँ पर लास्ट नेम, उसके बाद से लास्ट नेम तो दिवाकर कुमार मौर्य, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और इसके बाद से देखते हैं नीचे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम हो गया, अब यहाँ पर प्रीफर्ड जो आप नाम प्रीफर्ड करना चाह रहे हो वही चीज़ मैंने ऊपर सेम कर दिया है। उसके बाद से आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, तो 157A आपका जो भी एड्रेस हो आप यहाँ पर फिल कर लेना। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। इसके बाद से आपको यहाँ सिटी फिल करना है। सिटी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है, तो आप फ़ोन नंबर किस फॉर्म में दे रहे हो, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दे रही हूँ तो यहाँ मोबाइल चूज़ कर लूँगी। फिर यहाँ पर आपको अपना नंबर
एंटर करना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपकी इंडिया चूज है, फ़ोन नंबर भी आपका जब रिज्यूम अपलोड करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद से आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू जब आप करोगे तो इसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट होंगी। तो अभी आपका फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे आपको इतनी सारी डिटेल्स फिल करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फिल कर सकते हो। वैसे तो यहाँ स्टार दिया हुआ है लेकिन एक्सपीरियंस है तो ही आप फिल करना, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉलेज की डिटेल देनी है, आपका कॉलेज कौन सा था वो आपको चूज़ करना है। और उसके बाद से आपका यहाँ पर डिग्री चूज़ करनी है, ठीक है। डिग्री में और कुछ दी है तो यहाँ पर बैचलर डिग्री, ठीक है, ये आप चूज़ करना है। आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट का भी ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद से सेकेंड है स्कूल का नाम, 12th क्लास का, तो आप ये चूज़ कर लोगे। उसके बाद से 10th क्लास की डिटेल, यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, जैनित कॉन्वेंट, ठीक है। तो ये आपका कॉलेज का नेम और यहाँ पे आपको अपना कहाँ गया, यहाँ पे आपको डिग्री अपनी चूज कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद से आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी में आपका दिया गया है क्या ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड 2020 आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे है हमारा, इसके बाद से 30-40, ठीक है। इसके बाद से आपको यहाँ स्किल्स देना है, तो यहाँ पे आपका जो है स्टार नहीं लिखा है लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सी चूज़ कर रही हूँ और आप जो चाहो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट हो गया। उसके बाद से टैली, ठीक है। तो आपकी जो भी स्किल्स हैं आप यहाँ पर अपना चूज कर लेना। उसके बाद से आपने रिज्यूम ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया, कोई अदर वेबसाइट वो कर सकते हो। उसके बाद से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप, जहाँ पे आपको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, आपको यहाँ पर सिंपल चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप चेक इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका लास्ट आएगा। यहाँ पर आपको रिव्यू करना है, आप जो भी डिटेल्स फिल किए हो आप उससे सेटिस्फाइज हो नहीं हो, एडिट करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगी और इसकी आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो आपको मेल के थ्रू सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।